भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है माओ सचिन चौधरी। निवाड़ी में चुनाव प्रचार अपने अंतिम क्षणों में चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य की भी सभा आज निवाड़ी में भई और भी तमाम सारे नेता पहुंचे थे भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन के समर्थन में। भैया आज की तरीके की सभा जो है आज देखने को मिली, निश्चित रूप से चुनावी जो बिगुल था बस तो बहुत पहले गया था, लेकिन अब समापन की ओर है हम लोग तो। और आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था और केशव प्रसाद मौर्य जी को सुनने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए सर्व समाज के लोग इस सभा में शामिल हुए। और निश्चित रूप से आज का जो उत्साह का वातावरण था, हमें तो ऐसा लग रहा हो कि चुनाव आज ही होगा। और निश्चित रूप से भाजपा बहुत अंतर से निवाड़ी विधानसभा जीत रही है, जैसा आज हमने महसूस करो। आखिरी में लड़ाई एक बार फिर से पुराने प्रतिद्वंदी के बीच आउट दिखा रही है। अखिलेश यादव भी फिर आ रहे हैं, पहले भी आए थे, इसके अलावा डिम्पल यादव भी आई थी, सपा भी करो मरू की स्थिति में, तो कैसे जो मुकाबला कितने तक पहुंचे? नहीं, मुकाबला तो जब हो सका तो जब जे आउट रहते। अब 5 साल में केवल चुनाव के टाइम पे भैया आ जाए, भाभी आ जाए या उनके सब नेता आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग 5 साल काम कर रहे थे, हमारे नेता ही मुख्यमंत्री जी 20 बार निवाड़ी विधानसभा में और निवाड़ी जिला में आउत रहतेंगे, तो कोनो चुनाव में तो उतनी जगह चुनाव हो रहा सो हम लोग पहुंच गए और सीधे जनता से वोट मांगने लगे। हम लोग तो रोज ही काम कर रहे थे, ये 5 साल में कर रहे थे, इनके पास कोई काम वाम तो है नहीं, तो 5 साल में सीधे प्रकट हो और एक जाति विशेष को पूरा मुद्दा लेके मैदान में कूद जाते। और जनता जब इनको परिणाम से बाहर करत तो फिर ये 5 साल में मतलब भी नहीं रखत, और मतलब तो रखते ही नहीं संघ में, जो भी हो करते उनकी दुर्दशा करा देते। तो ऐसे में जनता ने अब तय कर लिया कि हमें जो जाति माति की ये सब चीजें पुरानी बातें हो गई, निवाड़ी में अनिल जैन के अलावा कोई विकास करा नहीं सकत। और निश्चित रूप से अनिल जैन से उपलब्ध है, सरलता है, सहजता है, जब जाओ से अपनी बात कह लो, बात करने में कोई संकोच भी नहीं रहता है। अब उनसे तो लोग उनके ही लोग दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि वो तो खुद ही कहने लगे कि जे जीतवे के बाद फिर न जे सुना थे न जे बात कर रहे थे, मिलवो तो बड़ो टेढ़ी खीर है इनसे मिलवो तो। तो लोगों ने मन बना लिया कि हमें भाजपा के साथ जाना है। अब टक्कर फक्कर की तो आप इसे ना पूछो कि हमारे लोगों के साथ तो टक्कर का बहुत अंतर की जीत है, तो इसमें कहीं कोई ऐसा विषय भी नहीं बचो। जो चुनाव जब शुरू हो तो टिकट के भी महीना दो महीना पहले तो शुरुआत भई थी आप ही के विरोध से, कि आप ही के विरोध अपने आपकी पार्टी के भीतर भी लोग कर रहे थे और बाहर के तो करते ही करते, और होत होत में अब आप मुख्य मुकाबले में आ गए, तो ऐसी कौन सी रणनीति रहत आपकी? रणनीति कोनो नहीं रहत, और रणनीति सभी का छूरत, क्योंकि जनता के बीच में आप जब रह रहे तो जनता खुद ही चुनाव लड़त। अब जनता जब चुनाव लड़त तो निश्चित रूप से आम जनमानस में एक धारणा होती है कि हमारे कम से कम जो जनप्रतिनिधि हमें 24 घंटा बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, तो हमारा जो चुनाव होता है वो जनता ने खुद ही तय कर लो, खुद ही लड़ रही। आज आप उस समय होते जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो जनता चारों तरफ से ऐसी गिरी, ऐसी टूट पड़ी कि जैसे लग रहा था कि आज अगर वोटिंग होती तो हम 40-50 हजार वोटों से जीतते, जनता का इतना उत्साह था। और इसका कारण भी हम मुख्य प्रतिद्वंदी अगर कह रहे, आप कह रहे हो कि उनके कैसे बराबर से आए, हमारे साथ ये है कि हम प्लस अच्छा ये है कि हम 24 घंटा लोगों के साथ उपलब्ध हैं। सरकार की योजनाएं तो अच्छी हैं, सुनिश्चित रूप से आम जनमानस में उसका प्रभाव भी है। लाडली बहना जैसी योजनाएं निश्चित रूप से बहनों के सम्मान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विषय रखो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहनों के सम्मान में जो योजना है तो इसका भी प्रभाव है। किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं भी आम आदमी को सीधे सीधे लाभ मिल रहा हो तो एक इसको भी प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं चुनाव जनता अब खुद लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता भी लग गए, सब कुछ लग गए, तो हम लोग निश्चित रूप से विजय की ओर पहुंच गए। चुनाव जो है जनता खुद लड़ रही, जो कह वो अनिल जैन को, और उनको जो कह वो है कि जो 5 साल की उनकी उपलब्धता है, सहजता है, सरलता है, वह आखिर के समय वोटर और कार्यकर्ता के मन में आ जा, और यही वजह से भी शुरुआत में भले ही कमजोर दिखाई दे लेकिन फिर से मुख्य मुकाबले में है और अब उनको दावा है कि जीत की ओर अग्रसर है। सचिन चौधरी, बुंदेली, पोछार के लिए। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।